हेलो फ्रेंड्स, आपण माने समस्ते जानी सारिछंती जहाँ कि ओडिशा सरकारंग तरफरु मो घर योजनार शुभारंभ होई सारिछि। ते फ्रेंड्स, एही वीडियो रे आमे संपूर्ण तथ्य जानिबा जहाँ कि एहा आपण एही गोटिए वीडियो रे आपनकु सबु जणा पडिजिवो, अन्य कोनोसी वीडियो देखिबा दरकार नहि। तबे चालंतु प्रथमे जानिबा मो घर योजना कोन। देखु मो घर योजना बा मो घर स्कीम, देखो गोटे स्कीम जितेबले कहुए जितेबले कि गवर्नमेंट आपण बा सरकार जहाँ कि आम को किसी दे थाए ता प्रतिबदल कि नहीं न था, हे तो प्रतिबदल भोट्र आशा थाए कि आमठू अलग कि नहीं न था। कि एटी कौन हुए कि आपण को सरकार पैसा तो देवे कि सहित आपण जहाँकि हूँ तो किसी मात्रा कम ने जहाँकि आपण को छाड़ रही सब्सिडी रही। तेज चल देखा आर परवर्त प्रश्न को, तब आप जान लें कि मो घर योजना बा मो घर स्कीम विषय रे। देखु एटी जहाँकि मो घर योजनार लक्ष्य कौन। तेज सरकार अनुजाई जहाँकि कहुई ग्रामांचल बसवास करुवा गरीब और निम्न मध्यवित्त पर आशा आकांक्षा पूरण पर गृह ऋण जरिया से मानकर नूतन गृह निर्माण तथा गृहर उन्नतिकरण संपूर्णीकरण संप्रसारण करवा योजनार लक्ष्य। ठीक अच्छे, तेज योजनार लक्ष्य जहाँकि जान लें गृह को निर्माण करवा उन्नतिकरण करवा कि संप्रसारण करवा लक्ष्य। तेरे जहाँकि परवर्ती प्रश्न रही नूतन गृह निर्माण कहले कौन बुझाए। तेज नूतन गृह मान जहाँकि नूतन गृह निर्माण कहले कंक्रीट छात विशिष्ट पक्का घर निर्माण को बुझाई थाए। तेज कंक्रीट छात बनवाई आपन को जो ऋण टी दिजा नूतन गृह निर्माण कह जाए। या सहित आउ गोटे कहते गृह संप्रसारण कहले कौन बुझाए। गृह संप्रसारण कहले वर्तमान घर सहित अतिरिक्त कंक्रीट छात विशिष्ट पक्का घर निर्माण को बुझाए। तेज आपण गोटे घर रही तेज ता सहित आउ किसी बखरा कि रूम बनवाई जाऊँ कंक्रीट छात सहित गृह संप्रसारण कह जाए। तो परवर्ती जहाँकि रहा गृह संपूर्णकरण कहले कौन बुझाए। तो फिर जहाँकि गृह संपूर्णकरण कहले जदि पूर्वर घर तैयारी आरंभ कर शेष हो न था तो अधा अधूरा घर रखी रखिदे तो ठीक अच्छे। से ही घर कंक्रीट छात पकाई झरका कबाट चट्टाण पलस्तर और रंग लगवा इत्यादि कार्य शेष कर बासोपयोगी करने को गृह संपूर्णकरण बुझाई थाए। ठीक अच्छे, बुझे आपण यहाँ कि गृह संपूर्णकरण तेज आप अधा अधूरा घर बनई संपूर्ण करने आपण को सहायक हम यही मो घर योजना। तो देखा परवर्त प्रश्न जहाँकि कि गृह उन्नतिकरण कहले कौन बुझाए। तेज देखो गृह उन्नतिकरण कहले जदि निजर घर कंक्रीट छात विशिष्ट हो न थाए यू कंक्रीट छात विशिष्ट कर छात परिवर्तन जनित आनुषंगिक मरामति करिबा। देखो गृहर जो कि छात कंक्रीट छात हो नपण अलग किसी जहाँकि टीण हो कि अलग किसी करेंगे ताल भी आपण यह योग्य हो पारती। तो देखा परवर्त प्रश्नटी देखु एथिरे क्यों परिवार माने एथिरे उपकृत होगापी योग्य बेचित अटंती। तो देखो से कहते कि कच्चा घरे बा गोटे बखरा छात घरे रोथिबा परिवार। ठीक अच्छे, गोटे बखरा थिबो किंबा कच्चा घर थिबो तो तापर आउ गोटे कहते हैं कि गृह निर्माण योजना रे सहायता पाई नथिबा बा 70,000 टंकारु कम सहायता पाई पर देखो 70 जदि आप इंदिरा आवास योजना हो पीएम आवास योजना हो तेज यही स्कीम जब आप पैसा आगर कि 70,000 जब कम पाई आपर कि किसी पाई भी आपन को मिल पार। ठीक अच्छे, तो परवर्त जहाँकि कहते देखो मासिक 25,000 टकर कम आय करुवा पर तेज आपण पर मोट आय 25,000 टकरु कम थी आवश्यक ताल आपर। यह सहित आउ गोटे कहते जहाँकि व्यक्तिगत व्यवहार पर चारिचकिया मोटर गाड़ी रखि नथिबा परिवार। देखो जदि आपण मैंने पर्सनाल जो फोर व्हीलर व्हीकल किणुंत सेमती तो हेनि कि बिजनेस जब फोर व्हीलर किणा जापर। ठीक अच्छे, तो देखा बर्तमान जोड़ा कि परवर्ती कहते कौन सी सरकारी कि सरकारी उद्योग नियमित कि पेंशन भोगी कर्मचारी नथिबा परिवार पेंशन पा नथिबा परिवार को मध्य योग्य हो पारे। 5 एकर जलसेचित कि 15 एकर अण जलसेचित जमीरु कम जमी थी पर ठीक अच्छे। 5 एकर जोड़ा कि जलसेचित जमीरु कम थी दरकार या सहित 15 एकर जो कि अण जलसेचित जमीरु कम रही जहाँकि आप योग्य बेचना हो पारती। तो जहाँकि परवर्ती योजन परिवार कहले कौन बुझाए। देखो परिवार कहले जहाँकि स्वामी स्त्री एवं से निर्भरशील सदस्य मानक जहाँकि परिवार बुझाए। तो
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି କହିଛନ୍ତି ଯାହାକି ଏହି ଯୋଜନାରେ ପକ୍କା ଘର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପକ୍କା ଘର ପାଇଁ କାନ୍ଥ ଓ ଛାତ ପକ୍କା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। କାନ୍ଥ ଇଟା ପଥର ଇତ୍ୟାଦିରେ ତିଆରି ହୋଇ ସିମେଣ୍ଟ ଯୋଡ଼େଇ ହେବ, ଯେମିତି ଆମେ ଯେଉଁ ଘର ବନେଇବା କହୁଛନ୍ତି ଛାତଟା ମଧ୍ୟ ସିମେଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ ଛାତ ହେବା ଦରକାର, ଏହାକୁ ପକ୍କା ଘର କୁହାଯାଏ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନରେ କହିଛନ୍ତି କି ପୂର୍ବରୁ ଗୃହ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିଲେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଋଣ ମିଳିଥାଏ କି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୂର୍ବରୁ ଗୃହ ଯଦି ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଋଣ ମିଳିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିଲା ସେଇଟା 70,000 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ହେବା ଦରକାର, ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ତେବେ ଏଠି ପରବର୍ତ୍ତୀ କହିଛନ୍ତି ଯାହାକି ନିଜର ପକ୍କା ଘର ଥିଲେ ଋଣ ସହାୟତା ମିଳିଥାଏ କି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆବେଦନକାରୀଙ୍କର 1 ରୁ ଅଧିକ କଂକ୍ରିଟ ଛାତ ବିଶିଷ୍ଟ କୋଠରୀ ନଥିଲେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଋଣ ସହାୟତା ପାଇପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଗୋଟିଏ ବଖରା ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ, ହେଲା। ଆଉ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବଖରାରୁ ଅଧିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଏହା ପାଇଁ ଆପଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ସହିତ କହିଛନ୍ତି 4-ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଥିଲେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଋଣ ମିଳିପାରେ କି। ତ ଆଗରୁ ହିଁ କୁହାଯାଇଛି ଯେଉଁଟାକି 4-ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଋଣ ମିଳିବନି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଇଟା ପର୍ସନାଲ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ମିଳିବନି, କିନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି ବିଜନେସ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ଯେମିତି ଭାବନ୍ତୁ 4-ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଆପଣ କହିପାରିବେ କ୍ୟାବ୍ କିଏ କ୍ୟାବ୍ ଡ୍ରାଇଭର ହୋଇଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କର ଚଳିଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମିଳିପାରିବ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, କେତେ ଜମି ଥିଲେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଋଣ ମିଳିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆବେଦନକାରୀ ପରିବାରଙ୍କର 5 ଏକରରୁ କମ୍ ଜଳସେଚିତ ଜମି କିମ୍ବା 15 ଏକରରୁ କମ୍ ଅଣ ଜଳସେଚିତ ଜମି ଥିଲେ ଋଣ ମିଳିପାରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। 5 ଏକର କିମ୍ବା 15 ଏକର ଯେଉଁଟାକି ଜଳସେଚିତ କିମ୍ବା ଅଣଜଳସେଚିତ ଜମିରେ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ ଥିଲେ ମିଳିପାରିବ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଲା, ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଋଣ ନେଇଥିଲେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଗୃହ ଋଣ ମିଳିପାରେ କି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଋଣ ନେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଟା କହିଛନ୍ତି ଯାହାକି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଋଣ ପୂର୍ବରୁ ନେଇ ଗତ 90 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଋଣର ମୂଳ କିମ୍ବା ସୁଧ ବାବଦକୁ କୌଣସି ଅର୍ଥ ପରିଶୋଧ କରିନଥିଲେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଋଣ ମିଳିନଥାଏ। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ଆଗରୁ ବି କିଛି ଋଣ ନେଇଛନ୍ତି କେଉଁ ବି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ, ତ ଆପଣ ଯଦି ତାକୁ ଯେଉଁ କିସ୍ତି ହିସାବରେ ଯଦି ପଇଠ କରୁନାହାନ୍ତି, କରିନଥିବେ ଗତ ଲାଷ୍ଟ 90 ଡେଜ୍ ମଧ୍ୟରେ, ତାହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ବରାବର ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁଟାକି ପଇଠ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି କହିଛନ୍ତି ଏହି ଯୋଜନାରେ କ'ଣ ସୁବିଧା ମିଳିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଯୋଜନାରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ, ଗୃହର ଉନ୍ନତିକରଣ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣକରଣ, ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜରିଆରେ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ସରକାର ଋଣ ମଞ୍ଜୁର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସରଳୀକରଣ କରି ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଋଣ ଭାର ଲାଘବ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଋଣର ମୂଳଧନ ବାବଦକୁ ସବସିଡ଼ି ବା କିଛି ଛାଡ଼ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଜନଜାତି, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମୁଖ୍ୟ ଥିବା ପରିବାରଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ସବସିଡ଼ି ପ୍ରଦାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ଏହି ଯୋଜନାରେ କେତେ ପ୍ରକାରର ଋଣ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ମୋ ଘର ଯେଉଁ ମେନ୍ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ମୋ ଘର ଯୋଜନାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କାର ଋଣ ମିଳିପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ମୋଟ 4 ପ୍ରକାରର ଋଣ ରହିଛି, ଯାହାକି ଗୋଟେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି 2 ଲକ୍ଷ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଅନୁସାରେ ମିଳିବ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ତାକୁ ଭେରିଫାଇ କରି କହିବେ। ତ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କେତେ ସବସିଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଋଣ ଉପରେ ନିମ୍ନ ମତେ ସବସିଡ଼ି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାକି ରହିଛି ଋଣର ପରିମାଣ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ତେବେ ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ବା ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଲୋକ ପାଇଁ  30,000 ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯଦି ନେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 30,000 ଟଙ୍କାର ଛାଡ଼ ମିଳିଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଅନୁସୂଚିତ ଯେଉଁକି SC ଆଉ ST ଆଉ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମୁଖ୍ୟ ଯେଉଁଟାକି ବିକଳାଙ୍ଗ ଥିବେ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ 40,000 ଛାଡ଼ ମିଳିପାରିବ। ମାନେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆପଣ ଋଣ ନେବେ, ତା ସହିତ ଆପଣ 30,000 କିମ୍ବା 40,000 ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ ହିଁ ମିଳିଯିବ, ମାନେ 60,000 କିମ୍ବା ଯେଉଁଟାକି 70,000 ଆପଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ 30-40,000 ପାଖାପାଖି ଇଏ ରହୁଛି। ତେବେ ସାଧାରଣ ବର୍ଗ କ'ଣ, ଯେଉଁଟାକି ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଲୋକ, ଏହା ସହିତ OBCର ଏଠି ଲେଖିନି, ଯେଉଁଟାକି OBC କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏହି ସାଧାରଣ ବର୍ଗରେ ଏଇଥର ଆସିଯିବେ। ତ ସେମିତି 1.5 ଲକ୍ଷ ଯଦି ନେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ବର୍ଗଙ୍କୁ 45,000 ଛାଡ଼ ମିଳିବ। ଏହା ସହିତ SC ST ଆଉ PWDର ଯାହାକି 55,000, ସେହିଭଳି 2 ଲକ୍ଷ ଯିଏ ନେଉଛନ୍ତି ତାକୁ 60,000 ସାଧାରଣ ବର୍ଗ, ଆଉ 70,000 ଯାହାକି SC ST ଆଉ PWD। ସେଭଳି 3 ଲକ୍ଷ ଯଦି ଋଣ ନେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ 60,000 ସାଧାରଣ ବର୍ଗଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଆଉ 70,000 ଯାହାକି SC ST ଆଉ ଆମର PWDକୁ ମିଳିବ। ତେବେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ଯାହାକି ବାପାଙ୍କ ନାମରେ ଜମି ଥିଲେ ଋଣ ମିଳିଥାଏ କି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ବାପା ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି ବା ଥାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ସହ ଋଣ ଗ୍ରହିତା ପାଇଁ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଋଣ ମିଳିପାରିବ।
तेबे एठी देखंतु आपनकु पूर्वर कुआ आइला जहा कि ऋण आवेदन करिवा पई आपनकर जोडा कि मासिक 25,000 रु कम होउथबा दरकार जोडा कि फॅमिली रो इनकम ठीक होजी सेथिमे आपन एही ऋण आवेदनकारी आयर प्रमाणपत्र केउठर पाइबे देखंतु आवेदनकारीकु तहसीलदारक द्वारा प्रदत्त आय प्रमाणपत्र दाखल करिवा पडिथाय आ जदि वेतनभोगी कर्मचारीक क्षेत्र रे कार्यालयर मुख्यंग ठारु संग्रहित मासिक वेतन विवरणक मध्य आय प्रमाणपत्र भाबरे ग्रहण करै जायथाय तेबे जदि आपन इनकम सर्टिफिकेट बनाय पारिबे जोडा कि आरआई एवं तहसील पाखंगु जाय कि एहा सहित जदि आपन माने केउठी काम करछन्ती ताले सेठरो जो कि सैलरी स्लिप बा पेमेंट स्लिप रहैथाय ताहाकु मध्ये आपन आनी कि देखाई पारिबे ताहाले बि हेइजो किंतु जानिछन्ती एहा 25,000 रु कम हेबा दरकार मासक तो परवर्ती प्रश्न देखैछन्ती जाकि जातिगत प्रमाणपत्र और भिन्नक्षम प्रमाणपत्र केउठार मिलथाय देखंतु जातिगत प्रमाणपत्र जाकि तहसील कार्यालय रु सेबल जोडा कि आरआई आउ हमरो तहसील आउ एहा सहित जोडा कि भिन्नक्षम जाकि जिल्लार मुख्य चिकित्सा अधिकारी जोड़ा कि भिन्नक्षम प्रमाणपत्र तो परवर्ती प्रश्न रही तबे ऋण पाइबे पे आपण पंजीकरण करिवाकु पड़ेगी देखंतु आपणकु जहा कि एही जो वेबसाइट टी देछि देखंतु rhodisha.gov.in/moghar कु जाय सर्वप्रथम निजर नाम को पंजीकरण करिवाकु पड़थाय आ पंजीकरण समय रे तांगर मोबाइल नंबर को ओटीपी आसथाय जहा को पोर्टल रे उल्लेख करिवा पर पंजीकरण सफल होइथाय देखंतु एहा आधार सहित मध्य लिंक रहिथाय ठीक अछि तो परवर्ती प्रश्न देखिबा देखंतु यह ऋण पई जोड़ा कि दरखास्त किपर और क्या दाखल करेंगे देखो ये लिखाई पंजीकरण पर पूर्वपरि जो कि rhodisha.gov.in को जाए आवेदनकारी को निजर आधार नंबर बा मोबाइल को यूजर आईडी मोबाइल नंबर को यूजर आईडी रूप व्यवहार कर दरखास्त फर्म पूरण करने को पड़ता है दरखास्तटी पोर्टाल मध्यम संपृक्त वीडियो हस्तगत होता है और वीडियो जो कि आवेदनकारी दरखास्त को आवेदनकारी मनोनयन कर बैंक को पठाई था तेबे एठी मेन प्रश्न आसिला आवेदन पई आपनकु केउ केउ कागजपत्र आवश्यक ठीक देखंतु प्रथमे आपनकु गोटे पासपोर्ट साइज फोटो दरकार आपनकर आधार कार्ड दरकार आउ एथि मध्यरु देखंतु जोडा कि कोनसु गोटे परिचय पत्र दरकार जेमती भोटर आईडी हो किंबा पान कार्ड हो किंबा जदि जॉब कार्ड अछि जॉब कार्ड हो किंबा ड्राइविंग लाइसेंस एही चारिटारु आपन केउ बि गोटे बि नेले बि चलिबो एहा सहित आपनकर जमीर पट्टा एहा सहित आयर प्रमाणपत्र ठीक अछि देखंतु आय प्रमाणपत्र किंबा जो आपन जोंनि काम करछन्ति सेठि जदि पेमेंट स्लिप अछि ताहले भी हो सहित जातिगत प्रमाणपत्र जदि आप SC/ST कि PWD अच्छा ही आपको SC/ST रही आपको जातिगत प्रमाणपत्र दरकार जो जनरल OBC अच्छा आपको यार आवश्यक ना से भिन्नक्षम प्रमाणपत्र जदि भिन्नक्षम अच्छा ही आपको दरकार हुए ना यह भी आवश्यक नुहे तो देखो एटी ऋण मंजूरी प्रक्रिय ब्लॉक भूमिका कौन देखो आपको ऋण देवे जहाँ कि ब्लॉक वीडियो ही वीडियो द्वारा ही आपको जहाँकि ऋण टी मिल कारण वीडियो जदि ही आप्रूव कले बैंक आपको देपर तेज देखो यह जिते बड़े आप दरखास्त प्राप्ति पर ब्लॉक स्तर में निम्नलिखित कार्य संपादन कराए आपड़े फर्म फिलअप करदे आवेदनकारी नाम पूर्वर 70,000 टाँग तहीं अधिक मूल्य गृह मंजूर हो ना जांच करेंगे ब्लॉक अधिकारी सहित आवेदनकारी गृह परिदर्शन कर से रोकवा घर स्थिति और दरखास्त उल्लेख थोड़ा अन्य तथ्यर सत्यासत्य जांच करेंगे तेज आप जहाँ जहाँ डिटेल्स देखते से जो ब्लॉक अधिकारी मैंने जांच करेंगे या सहित आवेदनकारी वर्तमान गृह और प्रस्तावित जगार GEO टैग गोटे फोटो उठाए यह सहित ब्लॉक सहकारी जंत्री कनिष्ठ जंत्री आवेदनकारी आवश्यक मुताबक प्रकल्पर नक्सा और अटकल प्रस्तुत करेंगे ठीक अच्छे से वीडियो किंबा सह निर्वाही अधिकारी एहाकु नक्सा और अटकल को अनुमोदन करेंगे तेज आपको केते टंका कौन दिजिव वीडियो किंबा जो कि सह निर्वाही अधिकारी रही ब्लॉक से जाके आपको कहे कि आपको केते टंका मिलिव बा बैंक को से जोगे कहे तो वीडियो जोगे दरखास्त गुडी को आवेदनकारी मनोनीत बैंक को सुपारिश करेंगे वीडियो जहाँकि आपको केते टंका अप्रूव हम वीडियो ही कह बैंक को सुपारिश करेंगे ही जाए बैंक देव यहपर देखो प्रथम किस्ती मंजूर पर परवर्ती किस्तीर धार्य गृह निर्माण स्तर को मोबाइल आप जरिया फोटो उठाइबा देखो प्रथम किस्ती आपको किसी मात्रा मिले पुणी द्वितीय किस्ती रही तृतीय किस्ती टोटाल तीनो किस्ती
किस्ती आपको पैसा मिल तो प्रथम किस्ती है आप मोबाइल आप्रे से फोटो उठेबे तो परवर्ती किस्ती बैंक को सुपारिश करेंगे से ही ब्लॉगर वीडियो तो यापर गृह निर्माण शेष पर यार फोटो उठाए आवेदनकारी सब्सिडी राशि बैंक को सुपारिश करेंगे देखो आपर पूरा होगा छात पड़गलापर आपर फोटो उठाई जहाँकि वीडियो सब्सिडी जोड़ा छाड़ कही थी तीस हजार लक्ष टा ना तीस हजार से भाई तीन लक्ष ना षाठी हजार सेमती मिल या सहित देखो आम घर जो कि मोबाइल आप जरिया निज घर फोटो किपर उठा जाए देखो प्रथम आवेदनकारी आम घर मोबाइल आप प्ले स्टोर मिल जाव इनस्टल करूँ और निजर मोबाइल आधार नंबर को यूजर आई डी मोबाइल नंबर आधार नंबर को यूजर आई डी व्यवहार कर लगइन करने को हुए और गृह निर्माण स्तर को चयन कर फोटो उठाइवाक पड़ता है आवेदनकारी उठाई फोटो को ब्लॉक कर्मचारी अनुमोदन करते ठीक अच्छे तेब ये कहते आवेदनकारी दाखल कर दस्तावेज जांच हुए कि हाँ फ्रेंड्स आपड़ जहाँ जहाँ देखते जहाँकि ओरिजिनल दस्तावेज सहित जांच कर ब्लॉक स्तर में तेज बैंक स्तर में होगा दस्तावेज जांच समय सूची आवेदनकारी किपर जानते हैं देखो आपन को जो वीडियो पूरा देदेला बैंक को आपड़ आसपारे तेज बैंक द्वारा दस्तावेज जांच कर तारीख और समय बाबद सूचना आवेदनकारी पंजीकृत मोबाइल नंबर में मेसेज मध्यम पठा जाए ठीक अच्छे बैंक जरिया आपन को मेसेज पठा किदिन आपंकर जांच हाँ और ऋण नहीं पारे ठीक अच्छे एथेर देखूँ कहुई ऋण निम्ते निजर जमी को बंधक रखा आवश्यक हुई एटी देखो बहुत बड़ पॉइंट फ्रेंड्स आवेदनकारी प्रकल्प निर्माण निर्माण होगा जमी को सब रजिस्टर कार्यालय बंधक रखा पड़ता है ऋण परिशोध पर बंधक जमीर पट्टा आवेदनकारी को फेरस्त दि जाए ठीक अच्छे तेज सब रजिस्टर ऑफिस आपण जोड़ा कि जमी बंधक रही है ठीक अच्छे आपको ये टाँग ऋण दौरान मानने से जमी को बंधक रखें जो आप ऋण सब देदे आपन को रिटर्न पलिआस आपणकर जमी तो ये देखो लिखाई राज्य सरकार क्यों देयगुड़ी छाड़ कर राज्य सरकार यही योजना आवेदनकारी स्टाम्प फी बंधक पंजीकरण ईसी एवं जमीपटा नकल दरकार होता देय छाड़ कर मानते सब जोड़ा कि छोट छोट किसी खर्च होता है से सब कु सरकार छाड़ कर तो परवर्ती प्रश्न कहते ऋण मंजूरी बैंक द्वारा मगा जा आईनगत मतामत निम्ते आवेदनकारी को कौन से अर्थ प्रदान करने को पड़े कि तेज जोड़ा कि बैंक द्वारा कौन भी पैसा मगा जाब कि देवाक पड़े ना सरकार जहाँकि एक हजार टाँह अर्थ प्रदान कर प्रत्येक जोड़ा कि व्यक्ति जो जो मैंने आप्रुव अच्छा ठीक है आमको किसी देवाक पड़ न था बैंक ऋण मंजूर पर प्रोसेसिंग फी नहीं था कि देखो बैंक ऋण मंजूर पर कौन प्रोसेसिंग फी आपण आदाय करेंगे ना आवेदनकारी निजर ऋण दरखास्तर स्थिति किपर जानी था देखो दरखास्तकारी निज आधार नंबर को व्यवहार कर सर्वप्रथम वेबसाइट लगइन करेंगे लोन स्टाटस को क्लिक कले आपत सब जापर कि मोबाइल आप्रे भी आप जापारे तो फ्रेंड्स ये रहा देखो ऋण अर्थ आपन को जब के आप्रुव होगा तेल आपको कतोटी किस्ती में मिले ठीक अच्छे तेज जब आप लक्षे टकर ऋण आप्रुव होती प्रथम किस्ती में पचास हजार मिल ठीक अच्छे तापर जिते बड़े आपणकर छात पड़ा आउ पचास हजार मिल टोटाल लक्षे टाँह मिल जाए देढ़ लक्ष थी प्रथम पचास हजार मिल छातर स्तर पहुँचवा जाए आप पचास पहुँचला पर आ पचास हजार मिल छात संपूर्ण पड़गले पचास हजार मिल लक्ष हम से भाई दु लक्ष रेमती जहाँकि प्रथम पचास हजार तर छात्र स्तर पहुँचे ये आपको लक्ष्य मिल छात पड़ा पर पचास हजार से भाई तीन लक्ष देखिपे ऋण मंजूर होगापर आपको लक्षे टाँह मिल जाए छात्र स्तर पहुँचे लक्षे टाँह से भाई छात पड़ा पर आउ लक्षे टाँह ठीक अच्छे तेज ये प्रश्न रहा केपे प्रथम किस्ती पाए ठीक अच्छे ये लिखाई बैंक द्वारा ऋण मंजूर पर जगार बंधक रजिस्ट्रेशन शेष होगा और आवेदनकारी मार्जिन टाँचा विनियोग करने प्रथम किस्ती ऋण राशि आवेदनकारी ऋण खात जमा होता है ठीक अच्छे प्रथम आपण को जोड़ा कि बैंक द्वारा ऋण मंजूर होगापर जगार रजिस्ट्रेशन होगापर आपकी जो मार्जिन टाँचा तार दस परसेंट खर्च कर लक्षे टाँह मैंने दस हजार जब से खर्च करते कि जगार ही घर टेकवापे आपको जाए प्रथम किस्ती मिल जाए द्वितीय किस्ती केमी मिले द्वितीय किस्ती आपको कहली जोड़ा कि आपण छात पड़ा पर लक्षे टाँह होता है कि छात जब न पड़ी तो जोड़ा दु लक्ष किलक्ष जो रही आपको छातर स्तर पहुँचे मिल तृतीय किस्ती केमी मिल तो छात पड़ सारापर आपको तृतीय किस्ती राशि जमाटा मिल जाए
ତେବେ ରିହାତି ଋଣର ରିହାତି ଅର୍ଥ କିପରି ମିଳିବ, ଯେଉଁ ଛାଡ଼ କରାଯାଇଛି ଛାଡ଼ ପଇସାଟା କେମିତି ମିଳିବ? ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଜ୍ୟ ନୋଡାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜରିଆରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଋଣ ଖାତାରେ ସବସିଡ଼ି ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ହେବା ପରେ ବ୍ଲକ କର୍ମଚାରୀ ଘରର ଜିଓ ଟ୍ୟାଗ୍ ଫଟୋ ଉଠାଇଥାନ୍ତି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଫଟୋ ଆଧାରରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସବସିଡ଼ି ରାଶି ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ହିତାଧିକାରୀ ଋଣ ଖାତାରେ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଥିବା ସବସିଡ଼ି ରାଶି ଜମା କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଋଣ ଆକାରରେ ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଜମା ହୋଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁକି ଋଣ ଖାତାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେତେ ବର୍ଷରେ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ପଡ଼େ? ଏହି ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଋଣଟା ନେଇଛନ୍ତି, ତ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ 10ଟି ବର୍ଷ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତ 2ରୁ ନେଇକି 11 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ତା ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଏଠି କହିଛି ଋଣ ପରିଶୋଧ ନିମନ୍ତେ ମାସିକ କିସ୍ତିର ପରିମାଣ କେତେ ଅଟେ? ତେବେ ମାସିକ କିସ୍ତିର ପରିମାଣ ବ୍ୟାଙ୍କର ସୁଧ ହାର ଓ ଋଣ ପରିଶୋଧ ଅବଧି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବାରୁ ଏହା ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କ ସୁଧ ହାର 9% ଥିବ ବା ପରିଶୋଧର ଅବଧି 10 ବର୍ଷ ହୁଏ, ତେବେ ହିତାଧିକାରୀ ନିମ୍ନ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କହିଛନ୍ତି କି 9%, ଯଦି ଆପଣ 100,000 ନେଇଛନ୍ତି ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ 100,000 ଦେଇଦେବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେଥର ଯଦି ଆପଣ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି ଦେଇଦେବେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ମିଳିବ? ଯାହାକି 30,000, ଯେଉଁଟାକି ରିହାତି ମିଳିଯିବ 30,000 ଟଙ୍କା। ଆପଣ 100,000 ଦେଲା ପରେ ଆପଣ 100,000 ଆଣିଛନ୍ତି ଆଉ 100,000 ଯଦି ଦେଉଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇଭଳି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖନ୍ତି 100,000 ଯଦି ଆପଣ ପୁରା 10 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ବର୍ଗଙ୍କୁ 1,001 ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଯେଉଁ SC/ST ଆଉ PWDକୁ 864 ପଡ଼ିବ। ଏହିଭଳି ଆପଣ ଯଦି 300,000 ଆଣିଛନ୍ତି ଟୋଟାଲ, ତ 10 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଆପଣ ପ୍ରତି ମାସକୁ 3,382 ଦେବେ ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ, ଆଉ SC/ST ଲୋକମାନେ 3,256 ଦେବେ। ତେବେ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ତ ଆପଣ ପଇସା ନେଇଗଲେ, ତେବେ କେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରା କରିବେ ଘରଟା? ତେବେ ଯାହାକି କୁହାଯାଇଛି କି ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ମିଳିଲା ପରେ ଆପଣ 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଘର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ନମ୍ବର ଯୋଗାଯୋଗ କରି ପଚାରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହି ନମ୍ବର ଆପଣ ଏଠି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଏହି ନମ୍ବର କରି ପଚାରିପାରିବେ। ତେବେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ବୁଝିପାରିଲେ କି କେମିତି ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ ଯେଉଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦରକାର ସବୁ ଜାଣିସାରିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି କ'ଣ ଯଦି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଏ ଭିଡ଼ିଓର କମେଣ୍ଟରେ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବୁ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝାଇଦେବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଯଦି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।